गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मैथ्स टीचर। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, फाइव टॉपिक्स हमने पढ़ा था। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक था हमारा मोर ऑफ लेस, यानी मोर मतलब बहुत ज्यादा और लेस मतलब कम। मोर यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एक प्लेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारा लड्डू रखा हुआ है। या तो वो कहेंगे कि आप एक पाव ले लीजिए, यानी 250 ग्राम ले लीजिएगा,
इस तरह हमको पता चलता है कि हमारी क्वांटिटी क्या है, एप्पल की क्वांटिटी क्या है। तो इस तरह हम मोर और लेस का कंपेयर करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं बच्चों, रोलिंग और स्लाइडिंग का मतलब जानते ही होंगे आप। रोलिंग यानी जो हमारा राउंड कर सके, और स्लाइडिंग जिसको हम स्लाइड कर सके। रोलिंग मतलब एक बॉल ले लीजिए, बॉल को हम क्या करते हैं, बॉल को हम राउंड राउंड यानी रोल करते हैं। लेकिन अगर एक बुक्स ले लेते हैं हम, तो क्या उसको हम राउंड कर पाएंगे, नहीं, उसको हम खिसकाएंगे यानी उसको स्लाइड कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप वो लकड़ियों वाला जो आता है, जो हम लेग से धकेल के खेलते हैं, जो गाड़ी होती है बच्चों की, उसको ले लें, तो उसका जो पहिया होता है वो रोल करता है और वो हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। पर उसकी जगह अगर हम सिर्फ एक स्टिक ले लें, तो क्या उसको हम अपने लेग से अगर धकेलेंगे, पुश करेंगे, तो क्या वो आगे जाएगा, रोल करेगा, नहीं, वो स्लाइड होगा। एक डंडा ले लेते हैं हम, गेम ही होता है हमारा, उसमें स्लाइड करना रहता है, राउंड बनाओ तो भी अगर अगर मिट्टी पे अगर हम बालू पे अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करके हम जब खींचते हैं तो बालू एक जगह दूसरी जगह मिलेगी, मतलब वो स्लाइड करके हम खींचते हैं, राउंड तो होता नहीं है। तो बॉल हमारा राउंड होता है, बुक्स हमारा स्लाइड होता है। तो इस तरह स्लाइड और रोलिंग में डिफरेंसेस पता चला। उसी तरह अगर हम एक ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, उसको अगर धीरे से वो हमारे से गिर भी जाता है नीचे फ्लोर पे, तो क्या होता है, वो स्लाइड होकर दूसरी जगह जाता है। लेकिन अगर हमारे पास किसी चीज़ का अगर पैकेट हो, क्लॉथ का ही पैकेट हो या किसी सामान का ही पैकेट हो, जैसे कि राशन का ही पैकेट हो, अगर वो हमसे गिरता है तो क्या वो स्लाइड होता है, नहीं नहीं, क्या वो रोल होता है, नहीं, वो क्या होता है, स्लाइड होता है। तो इस तरह आपको स्लाइड और रोलिंग में पता चला। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया नियर एंड फार, रोल एंड स्लाइड पढ़ लिया, नियर एंड फार पढ़ेंगे हम। नियर का मतलब आप जानते हैं कि नियर मतलब होता है नज़दीक, और रोल का फार का मतलब जानते ही हैं कि होता है दूर। अब जैसे मैं यहाँ स्कूल के पास हूँ यानी नज़दीक हूँ, और आप स्कूल से काफ़ी दूर हैं, तो ये हमारा पता चल रहा है ना डिस्टेंसेज, कि कौन नियर है कौन फार है। मैं स्कूल में हूँ यानी मैं स्कूल के पास हूँ, और आप स्कूल से दूर हो यानी स्कूल से फार हो आप। तो इस तरह दूरी, जो दूरी बताए उसको हम जो पास और दूर होने की दूरी बताए वो लॉन्ग और नियर और फार होता है। जैसे कि आपने फ़ोन लिया होगा और फ़ोन आप अपने हाथ में रखेंगे तो वो आपके पास है, लेकिन वही फ़ोन अगर आप उठाकर मेज पर रख दें तो वो आपसे दूर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ना कि फ़ोन की दूरी आपसे ज़्यादा है। आप बाहर खेलने जाते हो, जब बॉल आप फेंकते हो, आप लोग पैरों से मार के बॉल खेलते हो, तो जब एक दूसरे के पास पास करते हो, कहते हो ना, जब आप अपने पास आपके पास बॉल रहता है तो आपके पास रहता है, वो पास यानी नियर रहता है, और जब वही बॉल को आप अपने लेग से मारे दूसरे के पास फेंकते हो तो वो आपसे दूर हो जाता है यानी फार हो जाता है। तो ये हमारा डिस्टेंस बताता है। ये हमारा हो गया तीसरा टॉपिक, नियर एंड फार। अब टॉप एंड बॉटम, जैसे कि ये एक घर है, यहाँ पे एक बॉल बैठी है, yeah।
उसी तरह आप अपने क्लास में फर्स्ट आते होंगे तो कहा जाता है ना कि आप हमेशा अपने क्लास में टॉप करते हैं, और कोई बच्चा होगा वो लास्ट आता होगा हमेशा या हमेशा फेल होता होगा, तो उसको कहते हैं ये सबसे बॉटम में ही रहता है, ये कभी टॉप पे नहीं जा सकता, इससे उम्मीद ही नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हम टॉप और बॉटम का डिफरेंस है। अब मैं अगर इसके सबसे ऊंची छत पर चढ़ जाऊँ, स्कूल की सबसे ऊंची कैंपस पर चली जाऊँ, छत पर चली जाऊँ, तो क्या होगा, मैं सबसे टॉप पर रहूँगी और जो ग्राउंड फ्लोर पर होंगे यानी जो नीचे ज़मीन पर रोड पर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉटम में हो जाएंगे। उसी तरह एरोप्लेन जो हमारा सबसे टॉप में फ्लाई करता है और हम सब कहाँ रहते हैं, बॉटम में रहते हैं यानी नीचे धरती पर रहते हैं। तो इस तरह टॉप और बॉटम का डिफरेंस बच्चों पता चला। आइए अब तीसरा पांचवा देखते हैं, हाई एंड लो। क्या देखेंगे हम, हाई एंड लो। बच्चों आप काइट यानी पतंग उड़ाते होंगे, किसी का पतंग बहुत ऊंची पे ऊंची रहती है, बहुत ऊंची। अगर हम काइट उड़ाते हैं आकाश में तो किसी का काइट बहुत ऊंचा रहता है और किसी का काइट बहुत नीचे रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, ये वाली जो काइट है नंबर वन काइट जो है ये बहुत हाई है, बहुत ऊंचे हाइट पे है। और कह सकते नंबर टू वाली जो हाइट है वो सबसे लोएस्ट हाइट पे यानी सबसे नीची है। अगर हम एरोप्लेन भी उड़ते देखते हैं या स्टार ही देखते हैं स्काई में, तो कोई कोई स्टार होता है जो बहुत ऊंचा होता है और कोई कोई स्टार ऐसा लगता है कि जो हमको पास से दिखाई दे रहा है यानी वो हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह हमें हाइट का पता चलता है ना कि जो जो छोटी वाली स्टार है वो बहुत ऊँची है, वो बहुत हाइट पे है, और जो छोटी वाली स्टार है वो नीचे है, जो हमें लगता है कि हमारे सामने ही है, तो वो देखने से लगता है कि वो लो पे ही है, ठीक है। तो इस तरह हाइट और लो, हाइएस्ट और लोएस्ट का पता चला। हाईएस्ट और लोएस्ट का पता चला, ठीक है। आइए तीसरा टॉपिक छठे टॉपिक देखते हैं, बिलो अंडर। बिलो हम फैन के नीचे, हम रूफ के नीचे हैं, तो बिलो द रूफ, बिलो द फैन कहते हैं ना, यानी किसी चीज के बिलो द ट्री। अगर पेड़ के नीचे हैं हम खड़े कहेंगे बिलो द ट्री, अगर पंखे के नीचे खड़े होकर हवा ले रहे हैं तो कह सकते हैं बिलो द फैन। यानी अगर हम किसी के नीचे हो या कोई सामान किसी के नीचे रखा हो, यानी ये फैन कह सकते हैं बिलो द रूफ, यानी जो पंखा होता है वो हमारे छत के नीचे रहता है, बिलो द रूफ। जो हमारा टेबल मेज बेड जो भी है वो सब हमारा किस पर रहता है, बिलो द रूफ, वो भी हमारे छत के नीचे है। जो फ्रूट्स हमारे पेड़ में फलते हैं, जो फल हमारा फलता है पेड़ में वो क्या होता है, बिलो द लीव्स या ट्रीज या स्टीम, ठीक है, कीवे बिलो द स्टीम यानी वो डालियों के नीचे खिली रहती है, वो फलता है तो नीचे ही लटका रहता है ना डालियों से। उसी तरह अगर हम अंडर की बात कर ले, यानी ये तो पता चल गया कि बिलो यानी किसी चीज़ के नीचे होना वो बिलो होता है। अंडर अगर हम कह सकते हैं कि माय लेग इज अंडर द टेबल, यानी अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पैर क्या होता है, मेज के नीचे रहता है, तो हम कह सकते हैं हमारा लेग इज अंडर द टेबल। अगर हमारा पेंसिल गिर गया तो हमारा माय पेंसिल इज अंडर द टेबल, मेरा पेंसिल गिर गया वो टेबल के अंदर चला गया। कोई कैट है वो अगर घुसी है किचन में टेबल के नीचे, तो हम कह सकते हैं कि कैट इज अंडर द किचन, यानी किसी चीज़ के नीचे छिप जाना, हाइड हो जाना, उसको कहेंगे अंडर। तो बच्चों ये हमारा छह टॉपिक्स था और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, और बच्चों आप इसका क्वेश्चन आंसर अपने बुक में कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय।